सर सुने तो चक्कर बड़े आ रहे ने। सर बस तबीयत हो गई थी खराब काफी। बट खैर तो चक्कर घर वाले कहते हैं सारा दिन तुम कहीं गांव पे नहीं गए। हाँ। तो मलिक साहब आ गए तो आपके दिन तबीयत बड़ी सेट होगी मेरी। तबीयत खराब होती है, तबीयत खराब होती है। बात तो सही है। मैंने जो खुद सर्विस किया था आउटडोर, उसका इंडोर सर्विस नहीं किया था। उसकी वजह कि जी वो मैंने लास्ट सीजन में करवाया था, जब उसको मैंने चेक किया था तो इतना गंदा नहीं था, वो गुजारा कर गया हमारा। ये जो वाला मैंने आज करवाया है इनको बुला के प्रोफेशनल्स को, और ये है काफी गंदा, क्योंकि 2 साल हो गए थे इसकी सर्विस हुए। लास्ट ईयर मैंने ऐसे ही चला दिया था क्योंकि इतनी मिट्टी नहीं थी, और इस दफा काफी गंदा हुआ था। तो जी गाइस, जैसे कि आपको मेरे लास्ट व्लॉग में पता लग चुका है कि एसी सर्विस जो हमने एक अपना खुद कर लिया था और एक अब ये एसी है, इसके लिए उसको हमने लाइंज किया हुआ था। तो वो बंदा कह रहा था कि जी मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अब उनको टाइम मिला है, बस वो थोड़ी देर में आने वाले हैं और इस एसी की हम जो है वो सर्विस करेंगे। इसका आउटर भी सर्विस होगा और इनर भी सर्विस होगा, और प्रेशर गन के साथ होगा। वो जैसे ही आते हैं तो फिर आपको मुलाकात भी करवाते हैं और फिर हम देखते भी हैं कैसे एसी सर्विस होता है, ताकि आप लोग भी खुद जुगाड़ लगाकर घर में एसी सर्विस कर सकें। अगर आपको कोई बंदा टाइम नहीं दे रहा तो नो इशू, टेंशन नहीं लेनी पाई जान, काम करना सीखना है, आप तुसी कर सकते हो। जो बंदा अपने हाथ से काम कर लेता है वो उस जैसा काम कोई भी नहीं होता भाई। बात तो सही है। तो बस वेट करें, अभी आता है एसी वाला बंदा, तो फिर आपको चेक करवाते हैं कैसे एसी सर्विस किया जाता है। A few moments later. बेल हुई है, मुझे लग रहा है कि जी वो एसी सर्विस वाले आ गए हैं, तो चेक कर लेते हैं। हाँ जी खोलो यार, बेल हुई है, वो एसी वाले आए हैं। ये शहजाद भाई आ गए हैं और ये अब एसी को वॉश करने लगे हैं जी, इनर को, और वो गन लगा रहे हैं अंदर ये दोनों, और बस अंदर कुछ लगा के इसके अंदर बहुत मिट्टी है। मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ और बाद में भी दिखाएंगे आपको। ये फुल जाम हुआ है ना, बहुत बुरा हाल है इसका, फुल जाम है। बस इसको अभी वॉश करेंगे और उतारे बगैर वॉश करेंगे इसको, अभी आपको दिखा देते हैं। पेचेज खोली इन्होंने, ऊपर का इन्होंने जो है वो कवर उतार लिया है, और बस अभी इसको बाकी इनर को उतारेंगे नहीं, यहीं से जो है इसको सर्विस करेंगे। इसकी हालत, उफ माय गॉड, ये बहुत बुरे हालात हैं इसके। तो इस साइड का आपको दिखाऊंगा गन के साथ, इसका ये जो बाय वाला पार्ट है, कवर है, इसको वॉश किया जा रहा है गन के साथ। ये देखें जी, इन्होंने इसको अच्छी तरह पैक कर लिया है और ये कपड़ा लगा दिया, और ये अभी गन के साथ इसको वॉश करेंगे, ठीक है। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसको उतारेंगे नहीं, पहले हर चीज़ उतार देते थे। ये देखें गन, अभी आपको जी इसका दिखाते हैं रिजल्ट जब ये वॉश हो जाएगी, तब तक हमें ड्राई करते हैं। ये रुकेगा, कितना गन निकला है इसके अंदर। ये लास्ट ईयर हमने नहीं करवाया था क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, और इस दफ़ा तो इंतहा का ये जो है ना वो गंदा हुआ है। ये भी आप चेक कीजिएगा, और इसका जो पानी जो है ना वो भी आपको दिखाता हूँ कितनी मट्टी है। ये देखो पेप्सी कोला है, पेप्सी कोला है। इसके अंदर पहले कुछ नज़र नहीं आ रहा था, अब ये देख रहे हैं आप, ज़बरदस्त हो गया। बाकी जब ये बाहर से आउटर वॉश करेंगे तो भी आपको दिखाएंगे। ओए होए होए होए, पेप्सी कोला, पेप्सी कोला, ये देखिए पेप्सी कोला, ये देखिए पेप्सी कोला। लेकिन ये वॉश हो चुका हुआ है, जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू हो गया है। इसकी पहले कंडीशन आपने देखी थी और आप देखें बिल्कुल 0 मीटर हो गया। और जो पेप्सी कोला हमने आपको दिखाई थी, अब पेशे खिदमत है 7 अप कोला, स्प्राइट कोला, वो भी आपको दिखाते हैं कि वॉश होने के बाद पेप्सी कोला बन चुकी है और 7 अप कोला, स्प्राइट कोला तैयार है। ये देखें, ये नीचे पेप्सी कोला का जाम तैयार हुआ है और ये अब 7 अप कोला है, मतलब कि बिल्कुल साफ हो गए। इनर वॉश हो गया है, अब आउटर की बारी है, और बस आउटर वॉश होता तो इसको चला के चेक कर लेते हैं, ये आउटर इसका हम जो है वो कर लेते हैं। और ये मेरे वाला लगा हुआ है जो मैंने कल वॉश किया था इसका। ये देखिए मैं आपको फाइनली इसकी हालत दिखाता हूँ, जो कि पहले कुछ नजर नहीं थी आ रही, सिर्फ कालक ही कालक थी इसके अंदर। ये देख, हर चीज नीट एंड क्लीन हो गई है इसकी, जबरदस्त। अब बस ये चलेगा, देखेंगे तब तक इसका आउटर वॉश हो रहा है,
वो भी होता है तो फिर इसको चलाते हैं। आउटलेट का काम शुरू हो गया वॉश का, और ये देखें इसमें से भी पेप्सी कोला निकलना शुरू हो गई है। ये देखें पेप्सी कोला निकल रही है अंदर से। अभी जब वॉश होगा तो 7-Up में कन्वर्ट हो जाती है। Few inches later. ये जी बस अभी जो है वो अलग साहब आ रहे हैं। आज शायद मैं भी घर पे था, वो भी थे, तो एक आईपैड है जो उनके बैठे थे दोबारा तोड़ दिया, 2-3 दफा रिपेयर करवाया उसकी स्क्रीन करवाई है। बच्चे हैं फिर क्या करें, तो बस वो आ रहे हैं तो कहते हैं जी चलना है इसको यहाँ पे चेकआउट करवाते हैं, बस आते हैं फिर निकलते हैं उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक ठाक बेहतरीन तबीयत है? तबीयत आज ना सास्ते कहते हैं आए आपको, आपकी तबीयत सेट करते हैं जरा। जी सर क्या हाल है सर? शुगर तो ही ना ठीक ठाक सर, सुने तो चक्कर बड़े आ रहे हैं सर। बस तबीयत हो गई थी खराब काफी, बट खैर तो चक्कर घर वाले कहते हैं सारा दिन तुम कहीं काम भी नहीं गए। हाँ। तो मलिक साहब आ गए तो आप कहते हैं तबीयत बड़ी सेट होगी मेरी। मैंने पास होकर आ तबीयत खराब होती है, तबीयत खराब होती है, मैंने इसीलिए आया। ये आईपैड है जो उसने शहजादे ने तोड़ा। हाँ वो उससे कल तोड़ दिया यार, मर्जी है भाई, मैं कल ठीक करवा के लेके आऊँ। चलो चलते हैं चेक करते हैं अभी। 20 minutes later जैसा जी शेखुबा की मोबाइल मार्केट है, और इधर अभी हम टच ले हैं लेकिन हमें इसका टच मिल नहीं रहा। एक बंदे से पता किया तो वो कह रहा जी मिल जाएगा, भाई को दिया, अब चेक करते हैं। चेक करवाना है अंकल को कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा 2602 बाकी चल रहा है इसका वर्किंग में। हाँ बाकी सारा वर्किंग में, कौन नहीं मिलता तो फिर इसको अच्छी चलाई है तो चेक कर लेते हैं। काफी बुरी तरह डूबता हूँ जी। आईपैड तो हम देख के गए थे लेकिन ये शकूबा हमें यहाँ पे 3-4 लोगों से हमने पता किया, उसने भी कहा कि जी ये यहाँ से तो नहीं होगा तो ये लाहौर से मंगवाना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि हम फिर इसको लाहौर से सेटअप करवाएंगे, इसकी जो टच है वो लाहौर से डलवा देंगे, यहाँ से तो नहीं मिला जी। A few moments later. ऐसा आपको जूस वूस पी लेते हैं, गर्मी बड़ी है, बीपी शीपी भी आई बड़ा आई था तो बीपी शीपी भी नीचे आया जरा थोड़ा सा। कुल्फा शुल्फा मिले ना किसी जूस कुल्फा जैसे नहीं मिलना, इधर आइसलैंड से जूस लेते हैं, इधर लगाएं गाड़ी चेक करते हैं कौन सा जूस इसके पास। कौन सा जूस है? रेड अनार बड़ा है। खट्टा ना हो यार कोई, खट्टा नहीं होगा। और कौन सा है सर? कॉकटेल है, स्पेशल कॉकटेल चेरी हो गया। हां कॉकटेल में तो वो बहुत होगा मीठा, बहुत बहुत। और फालसा कैसा है? फालसा भी है सर, खट्टा ना हो। खट्टा भी नहीं है। बस ठीक है वही कर लेते हैं। काम करना है उसके अंदर ना, एक स्प्राइट डाल लेनी है फालसा के अंदर सर, वो डालते हैं यार। ठीक है हां बस ठीक है, वो डाल देना, वो डाल के ले आओ, बस दो फालसे ले आओ। हां दो फालसे, ज्यादा खट्टा ना हो। रेगुलर करने जिम रेगुलर। वाओ चिल स्वाद आ गया, वाशो जमीस्ट चिल, मजा आ गया। ठंड पै गई है सीने में, बीपी शीपी मैं कहता हूं सब लो जाने तेरी। हां जी भैया फिर आप मुझे आईपैड दे दो। हां मैं आपको दे देता हूं, उसका आ गया था कि मैंने छड़ी मंगवा दी है। तो अब देखते हैं ये फिर मैं करवा दूंगा इसको जाना सुबह, कल कल इसको करवा लेंगे इससे सुबह, कल करवा लेंगे। मेहरबानी बहुत शुक्रिया भाई, तबीयत सेट हुई है आपकी? तबीयत चौकस हो गई है, चौकस हो गई है, बस ठीक। जूस ने काम दिखाया, जूस ने काम दिखा दिया, जूस ने काम, सुबह से तो बस निकाल बैठे हुए थे। और जो गोलगप्पे खाए वो भी नहीं खाया। अच्छा आपने नहीं खाया? मैंने नहीं खाया। अच्छा मैंने, सॉरी मैंने खाया। Hours later. सर्विस हो गया, अब इसको चला के चेक करते हैं। अभी ऑन किया है और देखते हैं क्या परफॉर्मेंस है इसकी। पहले तो बिल्कुल तो आई है, जमा पड़ा था आपको दिखाया था, तो आज तो बड़ी चौकस आके अंदर से भी देखते हैं क्या काम पे हुआ है, कैसी सफाई हुई है इसकी। हाय हाय हाय, 0 meter हो गया भाई, ये चेक करें। नया तो जी एसी वाला काम भी टाइट हो गया है, अब गर्मियां स्कूल से निकलेंगी। तो भाई आज का व्लॉग यहाँ पे मैं कर रहा हूँ खत्म, अभी इजाजत दें। मोहसिन ऑन द गो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अल्लाह निगहबान।